अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों में आपका स्वागत है। धरती के लिए तबाही का कारण बने जिस उल्कापिंड यानी जिस एस्टेरॉयड को लेकर कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 सितंबर को टकराने को लेकर के अलर्ट जारी किया, वह धरती के बेहद करीब से धरती के आउटर स्पीयर को चीरता हुआ आगे जा चुका है। लेकिन इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने हालांकि चैन की सांस ली है, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने निकल के आ रही है उसने एक बार फिर से वैज्ञानिकों के हाथ पैर हिला दिए हैं। जी हाँ, यह आफत अभी टला नहीं है। इसको लेकर के इस समय खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी की तरफ से इसको लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसको लेकर की दुनिया भर की तमाम वैज्ञानिकों की टीमें और तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां आपस में एक बार फिर से मीटिंग आयोजन करने जा रही हैं। क्योंकि यह तबाही का कारण बन चुका एस्टेरॉयड अब धरती को छोड़ करके चंद्रमा को हिट करने जाने वाला है। जी हाँ, इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि यह अगले कुछ घंटों में चांद की सतह से टकराने वाला है और इसके टकराने से चांद पर भयंकर तबाही आने वाली है। बता दें कि इससे पहले भी चांद की सतह पर धरती की तरफ बढ़ रहे कई एयर स्ट्राइक टकरा चुके हैं, लेकिन इस बार जो एस्टेरॉयड है इसके बारे में तो लगभग आप सब जान ही चुके हैं। और इसको लेकर के अब जो चांद के ऊपर इस वक्त आफत आने वाली है उसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान इसरो को होने वाला है। जी हाँ, दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां इसके बहुत बड़े घाटे से गुजरने वाली है, क्योंकि इसके टकरार के साथ ही धरती पर भीषण इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसका बेहद ही भीषण प्रभाव धरती पर भी आने वाला है। तो क्या है इसको लेकर के पूरी अपडेट और क्या पूरी खबर सामने आ रही है, क्या दावा किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने और इसका सबसे ज्यादा असर इसरो पर कैसे पड़ने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय भारत लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जिस उल्कापिंड को लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक पृथ्वी से टकराने पर अलर्ट जारी किया था, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा है कि अगर यह धरती से 20 मील का यह एस्टेरॉयड अगर टकरा गया है तो यह पृथ्वी पर भयंकर आफत ला सकता है। इतना ही नहीं, इसकी रफ्तार किसी भी आम स्टेरॉयड से कई गुना ज्यादा बताई गई है। लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी रफ्तार इतनी है कि अगर इसे हवा भी टकरा जाए तो यह उसे भी चिढ़ते हुए आग लगा देगा। और यही हुआ धरती के आउटर स्पेयर में से यह जब गुजरता हुआ गया तो धरती के आसमान में एक काला धुंध छाया हुआ, ये आगे की तरफ बढ़ गया। हालांकि देर रात होने के कारण दुनिया के कई देशों में यह नहीं देखा जा सका, लेकिन आपको बता दें कि कनाडा में अलास्का और साथ ही साथ रूस के कई क्षेत्रों में इस एस्टेरॉयड को देर रात देखा था। लेकिन अब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजर गया है, यह आगे जरूर बढ़ गया है, लेकिन अब यह एक बार फिर से धरती के लिए फिर से खतरा बन गया है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चंद्रमा से टकराएगा तो हमारे पृथ्वी पर खतरा क्यों बनेगा, तो हम बता दें आपको। लेकिन उससे पहले जान ले कि यह एस्टेरॉयड अब लगातार चंद्रमा की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, चंद्रमा के कोर की तरफ बढ़ने के कारण। और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और इसी वजह से चंद्रमा के आउटर स्पीयर में घुसने के बाद भी इसमें कोई आग भी नहीं लगेगी, यानी कि यह बॉलिंग प्रोसीजर भी नहीं शुरू करेगा। ऐसी स्थिति में यह हूबहू जितने आकार में इस वक्त है वह पूरे आकार के साथ चंद्रमा की सतह से टकराने जा रहा है। और आपको बता दें कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ ही एक अपनी स्थिति यानी कक्षा को मेंटेन करता है पृथ्वी के साथ। लेकिन यह एस्टेरॉयड अब पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरने के बाद ही अब उस चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और इसकी वजह से यह पृथ्वी को छोड़ करके आप चंद्रमा से टकराने जा रहा है और इसकी हिट करने के साथ ही चंद्रमा पर भीषण तबाही मच सकती है।
कारण यह है कि ऐसे पहले भी चंद्रमा पर कई एस्टेरॉयड गिर चुके हैं और कई एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से चंद्रमा पर भीषण गड्ढे बने हुए हैं और इतने बड़े गड्ढे हैं जो कि अभी भी देखे जा सकते हैं और इस वजह से अब इसको लेकर के नासा ने अलर्ट जारी कर दिया है। नासा ने कहा है कि अब तक जो एयर स्ट्राइक चंद्रमा से टकराए हैं उनके आकार इतने बड़े नहीं थे, ये आकार में पहली बार इतना है जिसकी वजह से भीषण तबाही चंद्रमा पर मच सकती है। इतना ही नहीं, चंद्रमा के एक हिस्से में दरार भी है और अगर ऐसा होता है तो चंद्रमा में भयंकर भूकंपीय गतिविधियों के साथ ही बहुत तेज विस्फोट होगा और इस विस्फोट की वजह से चंद्रमा की सतह की धूल का गुब्बार उठेगा जो धरती और सूरज के बीच आने वाला है और इसकी वजह से धरती का एक बहुत अहम हिस्सा पूरी तरह से धूल से ढक सकता है। यानी कि जो धरती अपने अक्ष पर घूमती है उसके आउटर स्पीयर में यह धूल प्रवेश करेगी जिसकी वजह से धरती का एक बहुत अहम हिस्सा धुएं के गुब्बार से ढक जाएगा और धुएं के गुब्बार से ढक जाने की वजह से इसका इम्पैक्ट वैसे ही होगा जैसे कि धरती के स्टेरॉइड से टकराने से पड़ीडीडीएचता है और यही कारण है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगी जिससे वनस्पतियां और जीव जंतु सब तबाह होना शुरू हो जाएंगे। यह कारण वैज्ञानिकों ने कहा है, वैज्ञानिकों का बोला है कि यह चंद्रमा से अब महज कुछ 1000 किलोमीटर की दूरी पर ही बचा हुआ है और इसके साथ ही अगर यह टकराया तो भीषण तबाही का वजह चंद्रमा पर बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, अब वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के अपना त्रिनेत्र चालू कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि उनकी ऑब्जर्वेटरी जो कि नियत अर्थ ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है उसकी तरफ से अब इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और इसकी वजह से अमेरिका अपने इस पर त्रिनेत्र को लगाने वाला है जो अमेरिका का बेहद एडवांस सिस्टम है त्रिनेत्र, जिसकी मदद से किसी भी सैटेलाइट पर नजर बनाई जा सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे चंद्रमा पर टकराने से रोका नहीं जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब यह कहा है कि वह इसे चंद्रमा पर टकराने से रोक सकते हैं और इसके 3 अलग-अलग तरीके भी बता दिए हैं। अमेरिका का यह मानना है कि अगर यह चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच जाता है तो हमारे पास त्रिनेत्र इसको रोकने के उपाय है। सबसे पहले अगर धरती से एक रॉकेट लॉन्च किया जाए जो कि इसे इंटरसेप्ट पाए बीच रास्ते में ही, और इंटरसेप्ट करने के साथ ही यह इस एस्टेरॉयड की दिशा को डायमेंशन को मोड़ दे, सबसे पहला यह वजह है। वहीं दूसरा है कि एक हाई एल्टीट्यूड की भीम को जनरेट किया जाए जैसे कि लेजर बीम की वजह से इसकी डायरेक्शन को चेंज किया सके और इसके कुछ टुकड़े भी किए जा सके जिसकी वजह से टुकड़े होने के साथ ही यह अपनी डायरेक्शन में अलग अलग इर्द गिर्द घूम जाएगा। और तीसरी सबसे अहम कारण यह है कि वहां पर मौजूद किसी भी सैटेलाइट से इसे टकरा दिया जाए, यानी कि किसी भी ऐसे सैटेलाइट से जो कि चंद्रमा के सिर्फ इसके ऊपर अभी मौजूद हैं, उससे टकरा दिया जाता है तो यह अपनी डायरेक्शन और बदल सकता है। और अगर बात करें कि आखिर किस देश के सैटेलाइट वहां पर मौजूद है तो इनमें से सबसे 2 अहम नाम हैं, एक तो भारत और दूसरा अमेरिका। जी, भारत का एक नहीं बल्कि 2 सैटेलाइट चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों वहां पर ओनर में अभी भी चक्कर लगाया रहे हैं और दोनों एक्टिव हैं और ये जानकारियां भी साझा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका का भी एक सैटेलाइट वहां पर एक्टिव है जो लगातार इसके आउटर स्पीयर में चक्कर लगा रहा है। यानी कि अगर इन दोनों देशों में से किसी एक देश का एक सैटेलाइट को जानबूझकर टक्कर करवाई जाती है तो एस्टेरॉयड चंद्रमा पर गिरने से बच सकता है और इसी वजह से यह खतरा टाला जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब यहाँ माना जा रहा है कि वैज्ञानिक इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर आज इसे चंद्रमा से टकराने से बचा भी लिया तो इसके बावजूद यह कुछ सालों बाद फिर से धरती के बेहद करीब आएगा और तब इसे टकराने से किसी भी कीमत पर नहीं रोका जा सकता है और इसी वजह से वैज्ञानिकों के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिका ने इसको लेकर के कहा है कि अब इस पर कड़े कदम उठाना जरूरी हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एस्टेरॉयड पर अटैक कर देना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए तब तक जब यह दोबारा एक बार फिर से धरती के बेहद करीब आएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर बताएं। साथ ही आगे की जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। जय हिंद।